उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल इमोशनल रिक्वेस्ट टू इंडियंस, दिस दिवाली लाइट अ डे, लाइट अ दिया फॉर अस से इजराइल। तो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो उनके होस्टेज कैद कर रखे हैं हमास ने, तो उनकी लाइफ के लिए जो एक दिया जलाया जाए। देखते हैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ कल आप सबको पता है दिवाली है और इसराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही इमोशनल अपील करी है सब इंडियंस को। यहाँ पर आप देख पाओगे इसका आर्टिकल, जो इसराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है कि इस दिवाली हमारे लिए भी, इसराइल के लिए भी एक दिया जलाइए, क्योंकि हमास ने आज भी 240 इसराइल के नागरिकों को हॉस्टेज बना रखा है। तो इसराइल कोशिश कर रहा है इन लोगों को छुड़वाने की, और इसलिए इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इन्होंने ये बहुत ही एक इमोशनल अपील करी है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इसराइल हमास वॉर का स्टेटस क्या है, क्या कुछ हुआ है, और सबसे पहले जो ये क्लिप है ना, एक मिनट की, मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है ये आप देखिए। नमस्ते। करेंटली 240 इजरायलीज एंड फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग बेबीज एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय हमास टेररिस्ट्स इन गाजा। Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Let us pray for their safe return and show unwavering support for their loved ones. नाउ इस वीडियो में आपने देखा कि इसराइल के एम्बेसडर ने लॉर्ड राम की बात करी, दीपावली की बात करी, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को, इसके बारे में भी इनको बताया प्रॉपरली। इवन दो मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर दूँ, इसराइल एक सेकुलर कंट्री नहीं है। आई मीन संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें, संविधान के हिसाब से हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, मगर इसराइल दुनिया का अकेला ज्यूइश मेजॉरिटी और एक प्रॉपर ज्यूज के लिए कंट्री है। उनके संविधान में लिखा हुआ है उनका जो स्टेट रिलीजन है वो जुदाइज्म है, बट स्टिल इनके जो एम्बेसडर हैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी इस तरीके से बात करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और वैसे मैं आपको बता दूं, इसराइल हमास की जो भी वॉर चल रही है इसे एक महीने से ऊपर हो चुका है। ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को और अभी भी ये चल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कई महीनों तक ये प्रॉब्लम चलती रहे। और अगर हम डेथ टोल की बात करें कि गाजा इसराइल दोनों जगह कितने लोगों की मौत हुई है, तो कंबाइन टोटल आपको 12,000 के ऊपर मिलेगा। आई मीन इसराइल में भी जितनी मौतें हुई हैं, साथ में अभी जो गाजा में ऑपरेशन चल रहा है इसराइल का, उसमें भी 11,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि गाजा की अगर हम बात करें ना, तो 4,500 बच्चे मर चुके हैं। ये नंबर देखकर यूएन की कई एजेंसीज भी शॉक्ड हैं कि इतने सारे बच्चों की मौत हुई है यहाँ पर। और आपने इसलिए रिसेंटली देखा होगा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने भी इसराइल को ये कहा है कि प्लीज़ जब आप बॉम्बिंग कर रहे हैं ध्यान रखिए कि औरतों और बच्चों की डेथ ना हो। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आर्टिकल, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि प्लीज़ औरतों और बच्चों की किलिंग रोकिए। ये बात डायरेक्टली इन्होंने बोली है इसराइल को, नहीं तो वैसे आप अगर देखो पूरा यूरोप इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, मगर जिस ह्यूमंगस स्केल पर औरतों और बच्चों की मौत हो रही है गाजा में, ये देखकर कई यूरोपियन कंट्रीज भी कह रही हैं इसराइल को कि आपको रुकने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कि आप कहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और किसको मार रहे हैं। और इसी प्रेशर की वजह से इसराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि रोज ये 4 घंटे तक अपनी बॉम्बिंग रोक देंगे। इसराइल ने यह कहा है कि रोज 4 घंटे तक ये बॉम्बिंग रोक देंगे, इसलिए ताकि सिविलियंस जो हैं ये नॉर्दर्न गाजा से या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां से हट सके। नाउ जो ये जो 4 घंटों का पॉज है ये कितना
ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई रूल्स वगैरह है नहीं, ना इसराइल पे कोई प्रॉपरली निगरानी रख रहा है कि इसराइल इस 4 घंटे के पॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगा भी या नहीं करेगा। बट एटलीस्ट इसराइल ने अपनी तरफ से ये बात कह दी है कि 4 घंटे तक तो हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे, ताकि सिविलियंस उस टाइम हट सके। और जो ये 4 घंटों का पॉज है, ऐसा नहीं है कि इसराइल ये सब फ्री में कर रहा है, इसके पीछे भी एक डील की बात चल रही है। डील ये है कि जो भी सिविलियंस हमास ने पकड़ रखे हैं इसराइल के, वो धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे, उसके बदले में इसराइल 4 घंटे तक एक पॉज करेगा, वॉर नहीं होगी। उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, हॉस्पिटल्स के लिए फ्यूल दिया जाएगा, और इसराइल की प्रेजेंस में भी कई जो फिलिस्तीनी लोग हैं इनको छोड़ा जाएगा। तो इस डील की बात चल रही है, अभी इसको कंसिडर किया जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इस पर आप देखोगे इन द फ्यूचर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर हम स्टांस देखें तो भारत सरकार का स्टांस क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिलीज किया जाए हॉस्टेजेस को इन गाजा। जो भी लोग हमास ने पकड़ रखे हैं इसराइल के, इन्हें अनकंडीशनली इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। तो आप कह लीजिए जो ये रिक्वेस्ट है इसराइली एम्बेसडर की, दिए वाली तो नहीं खैर, बट आप कह लीजिए अपील करने वाली जो बात है कि जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए हॉस्टेजेस को, इसमें बिल्कुल इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है। और ये जो पोजीशन है इंडिया की, ये इंडिया ने रिट्रिएट किया है, मतलब कि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है यूएसए के साथ। रिसेंटली आपको बता होगा 2+2 मीटिंग हुई है, यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये भारत में आए हैं इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मिलने। यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो भी है, मोदी जी आपको दिख जाएंगे और 2+2 की जो मीटिंग के मेंबर्स हैं ये भी आपको दिख जाएंगे। और इस मीटिंग में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई इसराइल को लेकर, इसराइल की जो वॉर ऑन टेरर है उसको लेकर यूएस और इंडिया दोनों ने प्रॉपरली इसराइल को बैक किया है। तो फाइनली देखो यही बोलना ठीक लगता है कि इस दिवाली हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं ये वापस आ जाएं सेफली, साथ ही साथ जो गाजा पट्टी में इनोसेंट लोगों की मौत हो रही है ये रुक जाए। ये बहुत गलत हो रहा है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं। होपफुली द वायलेंस कैन स्टॉप और इवेंचुअली जो ये बहुत लंबी प्रॉब्लम है इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी निकले, ताकि हर 10 साल में सेम साइकिल रिपीट ना हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश बना है 95th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, चिले, ब्राजील या फिर कोलंबिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग करिए आंसर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। तो आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गया भाई, सबसे पहले तो भाई एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो जी। और बाकी भाई बात करें जो इस वक्त चल रहा है ना, अभी तो ये 200 की इसराइल को पड़ी है कि 200 देखो ड्रामेबाजी कैसी हो रही है। तारक 240 के लिए उनके हजारों मर गए, उनकी कोई बंदा बात नहीं करता। और देखो इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट आई है कि 4500 से जायद बच्चे, हाँ, गजा के मुसलमानों के बच्चे वो शहीद हुए, उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा। 240 के लिए दिए जलाने की बात हो रही है भाई। चलो जान ने दहशत गर्दी की, उन्होंने हमला किया, बिल्कुल भाई। पूरी दुनिया भाई इस बात को जानती है कि इसराइल उनसे क्या, मैं कहता हूँ दुनिया से स्ट्रॉन्ग है। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसराइल, है ना स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अब ड्रामेबाजी ये चल रही है कि अपीलें हो रही है इंडियन पीपल से कि जी दिए जलाए जाएं 240 लोगों के लिए। चलो वो कैसा वो भाई उनका डिप्लोमेट है इधर, वो तो अपनी कोशिश करें, लेकिन मैं तो ये ड्रामेबाजी नहीं, ये एक ड्रामेबाजी है जो अब पब्लिक, इंडियन पब्लिक के साथ एक तरफ कह रहे हैं
और आधा हिस्सा तो कब्जा लिया। नहीं नहीं एक मैं कब्जा लिया वो कब्जाने के साथ में खान यूनस में जितने इलाके ना वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल है उन पर भाई ये बमबारी कर रहे हैं, उनके स्कूलों में जिन लोगों ने पनाह ले रखी है, मतलब के जहाँ पर सिविलियन है वहाँ पर ये चुन चुन कर अब हमले कर रहे हैं, मार तो रहे हैं, इसमें तो भाई दोरी राय कोई है नहीं, और खुल्लम खुल्ला इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं। इससे ऐसे दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं होगी, ये जो मर्जी कर ले ये दहशतगर्दी खत्म नहीं कर रहे, ये भाई साहब ये कब्जा ग्रुप भी है, कब्जा ग्रुप है, सीधे लफ्जों में कब्जा ग्रुप कहूंगा इनको। मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें नितिन जाओ का एक इंटरव्यू था, कि मेरे ख्याल में 1987 का था उनका इंटरव्यू, इतना पुराना कि उन्होंने बोला था कि भाई हम पूरे अरब पे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, उनका उस वक्त का ये बयान था नितिन जाओ का। बाकी भी बात यह है कि जो गाजा पट्टी है ना उसके साथ जो है वो कुदरती जखायर भी हैं गैस के और तेल के। बिल्कुल, तो ये गाजा को कब्जाया इसीलिए जा रहा है कि भाई कि वो वहां से निकाला जाए। मैं वो भी निकालेंगे, वो तो पावर के लिए जरूरी है, और मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ अगली बारी जो है ना वो अड़ोस पड़ोस के जो मुस्लिम कंट्री है ये धीरे धीरे एक एक को करके मारेंगे। मुस्लिम उम्मा चुप बैठी है, बिल्कुल मुतहद नहीं हो रही है। वो बयान उन्होंने ठीक कहा था, उस वो अपनी प्लानिंग के मुताबिक ठीक चल रहा है भाई, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ना वो अड़ोस पड़ोस में कब्जाएंगे, और अगली बारी मिस्र की है, देखना मिस्र को भी कर लेंगे भाई। ये समुद्री रास्ता जो इधर से निकलता है, बाकी भाई बात ये है कि वो इसराइल के 200 बंदे इंपोर्टेंट हो गए और जो 11,000 मरे वो उनकी जाने इंपॉर्टेंस नहीं, और उनमें कितने हमास के, उनमें कितने हमास के लोग 200 हो गए ज्यादा, मैक्सिमम यही कुछ होंगे जो मार, चलो वो दहशत गर्द हुए 500 कर ले 1,000 कर ले, तो 4500 से जायद जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। तो बाकी भाई साहब अच्छा इसमें कसूर किसका, ये जो मरवा रहे हैं अपने बच्चे को खुद ही मरवा रहे हैं, हमास वालों का कसूर है, हमास वालों को पनाह किसने दे रखी है? अगर उसकी उनके अंदर इतनी सख्त नहीं थी, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, उनके पास इतने ज्यादा भाई साहब कंट्री नहीं थे। अब खुलकर जो बातें सामने आ रही है ना, जो बातें निकल कर आ रही है, पंगा उन्होंने नहीं लिया, ये एक हाथ से ना ऐसे चपेड़ ये इसराइल ने ही मारी है, और दूसरे हाथ से भाई ये प्लानिंग है उनकी, ये प्लानिंग है। वो एक वीडियो देखी उसके अंदर सर बो रहे थे या हमास को बनाने वाला इसराइल सामने भी है। जी बिल्कुल सामने भी खुल्ला खुल्ला नहीं आएंगे, ये उनकी ओवरऑल प्लानिंग है, लेकिन ये है कि उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है भाई। लेकिन अब तो उसको मामला जिस तरफ जा रहा है वो कब्जा करना चाहते हैं ना, तो फंडिंग भाई साहब कर रहे हैं। अगर उनके पास इतनी सख्त नहीं थी तो अपने जिस तरह वो यूक्रेन वाला मरवा रहा अपने लोगों को, इसी तरह हमास वाले भी कर रहे हैं। सीधी बात है भाई, जो फलस्तीनियों को मरवा रहे हैं और वो खुद पैसे खा रहे हैं। आज की खबर निकल कर आ रही थी, अब पता नहीं सच है या झूठ है, कि हमास का जो लीडर है उसकी पोती जो है वो शहीद हुई है। क्यों? आज वो तो कतर में नहीं है, ये पता नहीं खबर, लेकिन वो भी तो इंसानों के दरमियान ही आ जाती है। बाकी बात ये है कि भाई ये किसी ना किसी तरीके रुकना चाहिए था शुरुआत में ना, अगर इसको रोकथाम कर लिया जाता तो ठीक था। उस वक्त अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री ने भी हवा दी, और मुस्लिम उम्मा को भी कहीं ना कहीं था कि भाई हमास ने बड़ा खतरनाक अटैक किया है और ये इस दफा धूल चटाएंगे इसराइल को। लेकिन मुंह की खानी पड़ी, खामोश रहे अमेरिका के डर से, क्योंकि अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखे थे और धमकी भी उसने भाई खुलेआम दी थी कि जो जिसने इसराइल पे अटैक किया उसने समझो अमेरिका पे। बिल्कुल ऐसी तो जो मुस्लिम इस्लामी कंट्री थे सारे भाई साहब वो चुप्पी तान के बैठे रहे, और आज भाई गाजा की हालत ये है कि भाई ना उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, ना हॉस्पिटल, ना ही कोई स्कूल, और ना ही कोई भाई उधर बचेगा। सही बात है, ये तो 11,000 जो बोल रहे हैं ना, मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा नुकसान होगा। सही, तो कई आंकड़े ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आ रहे। सही बात है, बाकी भाई ये
200-250 हॉस्टल। मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूंगा ये दहशत गर्दी के खिलाफ कोई जंग नहीं है भाई, ये भाई साहब कब्जा ग्रुप है, दहशत गर्दी के खिलाफ आम इंसानों को मासूम, 200 दहशत गर्द मारा और जो है वो 11,000 जो वो आम मासूम मासूम औरतें और बच्चे। अब ऐसा ही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें भाई साहब, पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक किए इंडिया में, पाकिस्तान में भी अटैक हुए, चाहे इंडियन फंडेड थे या अपने ही लोग अपने खिलाफ भड़क गए जो मर्जी था, लेकिन अटैक इधर भी हुए उधर भी हुए। अब इंडिया में अटैक पाकिस्तान ने किया वो तो चलो बात दिखती है, अच्छा इंडिया में अटैक हुआ, कभी इंडिया ने इस तरह की जंग पाकिस्तान के खिलाफ की? बिल्कुल नहीं। क्या आम लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया गया? इंडिया ने आज तक ऐसा नहीं किया। क्यों? इंडिया कब्जा ग्रुप नहीं है भाई। बिल्कुल। और इसराइल सीधा सीधा कब्जा ग्रुप है और भाई वो पूरा कर रहा है। बाकी यूसुफ कह रहा था ये ड्रामेबाजी है कि वो इस तरह 240 के लिए दिए जलवाए जा रहे हैं, वो ये भाई साहब क्योंकि दिवाली है और उसने दिवाली विश की है इंडिया को और साथ में कहा है कि भाई साहब हमारे लिए भी दुआ करें, उसका मकसद ये था। मैंने कहा थोड़ा सा समझा दूं अगर समझ आ जाए तो। बाकी भाई जो भी जाने गई है ऊपर वाला भाई उनकी आत्मा को शांति दे और भाई आई विश के तमाम भाई आप भी दुआ करें कि मजीद जो इंसानी जानों का ज्यादा नुकसान ना हो, कोई भी हो यार इंसान तो इंसान। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और हाँ जरूर बताइएगा भाई के गाजा पट्टी के साथ जो है वो जो कुदरती वसाइल उसके जखायर हैं या फिर ऐसे ही झूठी अफवाह है। ठीक है मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।